आवश्यक है हम अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करें, गुलामी के अंशों से मुक्ति प्राप्त मुक्ति हो, उससे मुक्त हो, लेकिन साथ साथ एकता और एकीकरण हम सबका आह्वान होना चाहिए। एकता और एकीकरण इस रूप में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जाति मत मजहब क्षेत्र भाषा नहीं, बल्कि भारत माता हम सबके लिए सर्वोपरि है और मातृभूमि के लिए ही हम सबका समर्पण होना चाहिए, यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मत और उपासना यह हमारा सेकेंडरी है, वो हमारा व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन मातृभूमि का वंदन, मातृभूमि को नमन, वीरों का वंदन, यह हमारा संकल्प और यह हम सबको एकता और एकीकरण के वंदन के साथ भी जोड़ने का कार्य करता है। और इन सब को जोड़ने के साथ सबसे महत्वपूर्ण है वह है नागरिक कर्तव्य। अक्सर हम अपने अधिकारों की चर्चा तो करते हैं लेकिन कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। याद करिए प्रधानमंत्री जी ने संविधान को स्वीकार करने वाली तिथि को 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में आयोजित करने का संकल्प लिया। इस दौरान विधानमंडल में नागरिक कर्तव्यों पर चर्चा हुई। नागरिक कर्तव्य, हर नागरिक का कर्तव्य अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए क्या है, और नागरिक कर्तव्यों के साथ जुड़ते हुए जहां जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, अगर हम ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, यही मातृभूमि के प्रति हमारा नमन है, यही है हमारा नमन। अपने अपने क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना, उन कर्तव्यों का निर्वहन करना, यही मातृभूमि को नमन है। और ये सभी पंच प्रण हम सबको एक नए उत्साह और नए उमंग के साथ जुड़ने की एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है, और उसी का परिणाम है कि कर्तव्यों के प्रति अपने दायित्वों को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने की श्रृंखला का हिस्सा है ये अमृत वाटिका। अमृत वाटिका अलग अलग बहाने हो सकते हैं, और भारत ने तो प्राचीन काल से इस बात को मान्यता दी। हरिशंकरी के रूप में भी तीन पवित्र वृक्षों को जोड़ा गया, पीपल, पाकड़ और बरगद को। अभी मैं यहां पे देख रहा था, देवी के रूप में भी डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी ने तीन पौधे लगाए, आम, नीम और एक अन्य वृक्ष साथ में लगा दिया। ये तीन तीन देवी के रूप में उसकी मत पूजा की गई। नक्षत्र वाटिका, 27 अलग अलग नक्षत्रों के नाम पर भी कोई ना कोई वृक्ष है। नवग्रह वाटिका, 9 ग्रहों के नाम पर कोई ना कोई वृक्ष है। यानी ये देख सकते हैं क्या दृष्टि रही है भारतीय मनीषा की, कि जो प्रकृति और परमात्मा के साथ हम सबको जोड़ने का कोई एक माध्यम बनेगा तो वह हमारे ये हरे भरे वृक्ष ही बनेंगे। और इन्हीं के माध्यम से प्रकृति जब सुरक्षित होगी तो परमात्मा की कृपा भी हम सब पर बनी रहेगी, हम किसी भी प्रकार की उस आपदा से मुक्त हो पाएंगे जो आज हमें विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। अमृत वाटिका देश की आजादी के शताब्दी वर्ष में हम सबको एक नए संकल्प के साथ जोड़ने का भी आह्वान कर रही है। जब ये देश 25 वर्ष उपरांत जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, उस समय अमृत वाटिका या अमृत स्तंभ हम सबको आजादी के अमृत महोत्सव का संकल्प भी याद दिला रहा होगा, और हम लोगों के लिए एक अवसर होगा, उस समय की पीढ़ी के लिए अवसर होगा यह जानने का, सुनने का, देखने का कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में क्या क्या संकल्प लिए गए थे, क्या क्या कार्यक्रम संपन्न हुए और किस ईमानदारी और किस प्रतिबद्धता के साथ उसे आगे बढ़ाया गया। हम सब आजादी के अमृत महोत्सव के साथ जुड़ सके, प्रधानमंत्री जी का संकल्प यहां जुड़ा है, पंच प्रण यहां पे लिखे गए हैं, और आगामी कार्य योजना के साथ बढ़ने के लिए भी यह स्तंभ और यह वाटिका हमें निरंतर प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से 77वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार माननीय।